शहर के पाली बाजार में राह चलते एक व्यक्ति की जेब से 10,000 रुपए पार होने का मामला सामने आया है। अपने साथ घटित हुई वारदात के बाद पीड़ित ने गुरुवार को सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्यवाही शुरू कर दी है। सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में विकास नगर दिलवाड़ा रोड निवासी पीड़ित विष्णु नारायण पुत्र रामचंद्र कुमावत ने बताया कि बुधवार को वह पाली बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने गया था। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान मेडिकल स्टोर पर दो महिलाएं भी दवाइयां लेने के लिए पहुंची थी। पीड़ित के अनुसार दवा लेने के बाद उसने जेब में रखी एक थैली से रुपए निकालकर भुगतान कर वहां से रवाना हो गया। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान दुकान पर दवा ले रही दो महिलाएं उसके पीछे पीछे हो गई। थोड़ी ही दूर जाने के बाद दो युवक उसके आगे आगे चलते हुए उसे जाने से रोक रहे थे। पीड़ित के अनुसार लोहरान चौपट पहुंचने से पहले ही एक महिला ने शातिराना तरीके से उसकी जेब में रखी थैली को पार कर लिया, जिसमें 10,000 रुपए रखे थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। दवाई लेने के लिए ब्यावर मेडिकल पे गया था। ये साथ में पैसे भी थे मेरे पास में 10,000 रुपये जो मैंने जेब में रख रखे थे। फिर मैं वहाँ से दवाई लेके लेने लगा, तभी दो लेडीज़ और आई थी मेरे पीछे से और वो आके वहाँ खड़ी हो गई और वो भी दवाई लेने लग गई। और उसमें से फिर जो है मैं वहाँ दवाई लेकर मैंने उनको पैसे भुगतान करे तो थैली निकाल के उसमें से पैसे दिए उनको और वापस थैली को रखा। तो एक दोनों में से एक लेडीज़ ने जो है मेरे वो थैली को देखा और इशारा करा उस दूसरी को कि इसके पास पैसे हैं। फिर बाद में एक दवाई लेने लगी और दूसरी जो है मेरे जेब से पैसे निकालने का ट्राई कोशिश की। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से रवाना हो गया तो वो उस समय पैसे नहीं निकाल सके। फिर बाद में वो जो है उन्होंने इशारा किया आपस में और मेरे पीछे पीछे रवाना हो गए। और थोड़ी सी 50 मीटर की दूरी पर ही जो है उन्होंने पाली बाज़ार पर जो है ब्यावर मेडिकल से और लोहरान चौपट की तरफ जाते हुए और मेरे जेब से पैसे निकाल के और उनके साथ दो बच्चे भी थे जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे। और ऐसे 4-5 जने थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे, दो लड़के थे आगे चल रहे थे मेरे से झगड़ा करते हुए और मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। पीछे से इन्होंने निकाल लिए पैसे और इशारा करके और ये भाग गए वहाँ से। फिर थोड़ा सा आगे जाके दो कदम आगे जाके मुझे शंका हुई कि भाग कैसे गई। तो फिर बाद में मैंने देखा तो फिर वापस मेडिकल पे गया, वहाँ जाके पूछताछ की तो वहाँ पैसे नहीं थे। फिर मैंने सीसीटीवी में देखा तो वो दोनों औरतें जो है इस प्रकार से चोरी का प्रयास कर रही थी मेरी जेब से निकालने का और बाद में उन्होंने ऐसा कर भी दिया और मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने इसकी सिटी थाने में जो है शिकायत की और मामला दर्ज किया। अरे चालू हो जा भाई, अरे लगता है जुड़ने वाला है। आ जुड़ा जुड़ा, अरे वाह, कैसी हो तुम, ठीक हो? अरे यार इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा, लगवाई कनेक्शन जेएसकाई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जेएसकाई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9852102। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट, जहां आप पाएंगे सूट कोट शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में। फुल सूट कपड़े में सिलाई सहित, साथ ही पाइए आकर्षक उपहार टाई पिन, रुमाल, मोजे, हैंगर व सूट कवर। किराए की छोड़िए, घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी रेमंड ओसियन, सियाराम, रीड एंड टेलर, न्यूमैन ब्रांड की इम्पोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है।